मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान स्थानीय और अन्य जगहों से आए श्रद्धालुओं ने दामोदर भैरवी संगम स्थल पर पवित्र स्नान करते हुए भगवान सूर्य को नमन किया और फिर मां भगवती के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इधर झारखंड के सांस्कृतिक पर्व टूसू विसर्जन के लिए भी बोकारो सहित अन्य जगह से महिलाएं रजरप्पा पहुंची और दामोदर नदी में लोकगीतों के साथ विधिवत टूसू पर्व का विसर्जन किया। रजरप्पा मंदिर के पुजारी विनोद पंडा उर्फ लाल बाबा ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर संगम स्थल में स्नान करने का अलग ही महत्व है। यहाँ स्नान कर लोग माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर शुद्ध समृद्धि की कामना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है। हम आमडिया टोला हरिडी से आए हुए हैं। हम लोग का जिला बोकारो है। हम लोग यहाँ खास करके टूसू विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं राजरप्पा मंदिर। क्या टूसू पर्व हम लोगों को क्या सीख देता है बहन? टूसू त्यौहार हम लोग साल में एक बार करते हैं। जैसे हम लोग 30 दिन रखते हैं घर में और फूल चढ़ाते हैं रोज शाम को, उसको जगाते हैं रोज एक दिन में। उसमें से हम लोग कोई जागरण होता है। उसके बाद जैसे मकर को हम लोग इसको विसर्जन करते हैं। बस क्या महत्व है? हम बोलना चाहते हैं कि हमारे झारखंड के सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्ता धाम में भैरवी एवं दामोदर नदी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्नान ध्वान माँ का पूजा अर्चना करने लोग आते हैं एवं पति पानी गंगा में जो भी भक्त स्नान करते हैं उनका शरीर आरोग्य रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि बना रहे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दामोदर भैरवी स्थल पर स्नान दान करके माँ भगवती का कृपा से सब कुशल पूर्वक। कहाँ से आए हैं? चितरपुर। क्या नाम हुआ? भीम साहब। नाम हुआ? मेरा नाम चंदना देवी है। कहाँ से आए हैं और क्या काम? ग्राम ओमडीहा टोला हरिडी से। मेरा आज क्या विशेष काम को लेकर के आए हैं रजरप्पा? आज हम लोग यहाँ आए हैं रजरप्पा टूसू विसर्जन करने के लिए और साल में एक बार हम लोग मनाते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।